नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। जिस टॉपिक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो है सिंह लगन के अंदर शनिदेव का रिजल्ट कैसा होता है। तो लगन के अंदर अगर 5 लिखा है, पहले भाव के अंदर 5, तो आप समझ लीजिए सिंह लगन के जातकों की ये कुंडली हुई। 12 भाव के अंदर शनिदेव कहीं ना कहीं जरूर होंगे, तो हर भाव में शनिदेव कैसा रिजल्ट देंगे इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो कुछ बेसिक चीजें आपको बताना चाहता हूं। तो दोस्तों देखिए, सिंह लगन के अंदर, सिंह लगन के जो स्वामी होते हैं सूर्यदेव और शनिदेव में आपस में शत्रुता होती है एक दूसरे को। हालांकि बाप और बेटा होते हैं बट दोनों आपस में एक दूसरे से परम शत्रुता मानते हैं। और सिंह लगन के अंदर शनिदेव को कौन से दो भाव मिले, तो शनिदेव की जो राशि होती है वो होती है मकर और कुंभ। तो एक त्रिक भाव मिला जो बीमारियों का, शत्रुओं का होता है, और एक मारक ग्रह मिला तो दुश्मन भी हो गए और भाव भी अच्छा नहीं। तो इस वजह से शनिदेव का प्लेसमेंट सिंह लगन के अंदर हमेशा नकारात्मक रहेगा, यानी वो एक मारक है। उनका प्लेसमेंट अगर अच्छा हुआ, थोड़े बहुत अगर अच्छे रिजल्ट हुए, तो वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो आपको मैं बताऊंगा। किस किस चीज के कारक होते हैं शनिदेव, तो नौकर के कारक होते हैं, नौकरी के कारक होते हैं, बीमारी के कारक होते हैं, कर्म के कारक होते हैं, परिश्रम के कारक होते हैं, अंधकार के कारक, डर के कारक, चिंता के कारक, और एकांत उनको पसंद होते हैं। इस तरह के इन सब चीजों के शनि कारक होते हैं। तो अगर कुंडली के अंदर अगर वो पॉजिटिव है तो इनसे रिलेटेड चीजें आपको अच्छी देखने को मिलेगी। अब दूसरी चीज, तीन चीजों पे आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, दृष्टि, अंश और दशा। हर ग्रह की कोई ना कोई दृष्टि होती है, शनिदेव की 3 दृष्टि होती है। शनिदेव अगर एग्जाम्पल करके लगन में बैठे हुए होंगे तो यहाँ के तो वो भाव देंगे ही, उनकी पहली दृष्टि होती है 3री, फिर 7वीं, फिर 10वीं, 3री, 7वीं और 10वीं। तो यहां से गिनेंगे 1, 2, 3, इस भाव पर अपना रिजल्ट देंगे, 7वीं दृष्टि और 10वीं रिजल्ट, 10वीं दृष्टि। तो 3री, 7वीं और 10वीं, यानी जहां दृष्टि देंगे वहां के रिजल्ट देंगे, जहां वो बैठे हैं वहां के रिजल्ट देंगे। तो आप समझ सकते हैं एक साथ साथ वो 4 भाव के रिजल्ट देंगे। अब अंश समझ लीजिए, जो उनके रिजल्ट होंगे वो डिपेंड होगा उनका अंश कितना है। अगर शनिदेव 0 से 2 डिग्री के हुए, बालावस्था में हुए या मर्तावस्था में हुए, 29 से 30, ना फिर वो अच्छे फल देंगे ना उन्होंने नकारात्मक फल देंगे। तो सिंह लगन के अंदर शनिदेव ज्यादातर मारक है, और ऐसे में उनका प्लेसमेंट नहीं अच्छा हुआ तो अच्छा है कि वो अगर बालावस्था में हो या मातृवस्था में हो, क्योंकि फिर वो न्यूट्रल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब दशा, शनिदेव का जो भी सकारात्मक होगा फल या नकारात्मक फल होगा, वो शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा में ही आपको प्राप्त होगा। अब एक एक करके पता कर लेते हैं। देखिए, शनिदेव लगन में बैठने के बाद कैसे रिजल्ट देते हैं। तो जातक थोड़ा सांवले किस्म का होगा, थोड़ा पतला होगा जातक, जातक पर बुद्धिमान होगा, परिश्रम करने वाला भी होगा, समझदार भी होगा, बट जातक निराशावादी होगा, क्योंकि यहाँ पे वो शनिदेव मारक होते हैं इस कुंडली के अंदर और शत्रु राशि के अंदर बैठे हुए हैं। तो जातक थोड़ा डर भी फील करता होगा, जातक थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच भी होगी जातक की, और हमेशा डरा डरा होगा और ज्यादातर अकेला रहेगा, अकेला रह के ज्यादा उसको सुकून मिलता होगा, और धीमी धीमी स्पीड से प्रगति करने वाला होगा। और अगर यहाँ पे पाप पीड़ित हो तो ऐसा जातक आलसी भी देखा गया है और कर्म विरोधी भी देखा गया है। तो यहां से उनकी 1, 2, 3 जो दृष्टि है उस भाव पे, जहां पे वो ऊंच के होते हैं तो छोटे भाई बहनों से लगाव होगा पर मतभेद होगा, जातक बहुत परिश्रम करने वाला भी होगा। 7वीं दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर, तो जातक का अपनी पत्नी के साथ मनमुटाव रहेगा, जातक अगर व्यापार दृष्टि से पार्टनरशिप किसी के साथ ना करे, और जातक को जिंदगी भर व्यापार में, बिजनेस में भी अप डाउन का सामना करना पड़ेगा। दूसरे भाव के अंदर शनिदेव अपने खुद के मित्र राशि के अंदर कैसा रिजल्ट देंगे, तो जातक को कैसा रिजल्ट देंगे, तो जातक को कुटुंब से लड़ाई कराएंगे, जातक को बहुत परिश्रम करा के तब थोड़ा बहुत धन मिलेगा, जातक की वाणी ऐसी होगी कि अपने वाणी से काम बिगाड़ लेने वाला होगा। अगर यहाँ पे बुध की डिग्री अच्छी हुई और बुध केंद्र कोण में हुए तो फिर थोड़ा अच्छा रिजल्ट, सकारात्मक फल देखने को मिल सकता है। ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगी लाइफ के अंदर, बड़े भाई बहनों से भी लड़ाई झगड़े देखे गए हैं। तीसरे भाव के अंदर शनिदेव अपनी ऊंच की राशि में, यहाँ पे वो ऊंच के हो जाते हैं तो छोटे भाई बहनों से प्यार होगा और मदद भी मिलेगी, और जातक परिश्रम करने के बाद बहुत हार्डवर्क करेगा तब उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 36 साल बाद भाग्य उदय होगा जातक का, अगर उसके कर्म अच्छे हैं, परिश्रम कर रहा है, तो फिर जातक को भाग्य उदय कोई नहीं रोक सकता, तब जातक का भाग्य भी साथ देगा। यहाँ पे तीसरी दृष्टि संतान भाव पे, तो पहली पुत्री होने का योग बनाते हैं पर पुत्री को लेके या संतान को लेके हमेशा चिंता बनी रहेगी।
चौथे भाव के अंदर शनिदेव शत्रु राशि के अंदर, तो कैसा रिजल्ट देंगे? यहां पे वो शत्रु राशि होता तो माता की तबीयत बहुत खराब होगी, जातक की तबीयत, जातक माता की तबीयत खराब रहेगी। जातक हमेशा सोच विचार करने वाला होगा, पत्नी से जातक मतभेद कराएगा। जातक को कोर्ट कचहरी में भी जातक को देखा है, पैतृक संपत्ति को लेके, भौतिक सुख को लेके, मकान को लेके, वाहन को लेके जातक को हमेशा परिश्रम करना पड़ेगा। भूमि को लेके जातक को कोर्ट कचहरी में भी घसीटना पड़ सकता है, शत्रु का भय बना रहेगा। तो यहाँ पे शनिदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देते, व्यवसाय में भी अच्छा फल नहीं देंगे और जातक को पर्सनैलिटी को भी कमजोर करेंगे। पांचवें भाव के अंदर शनिदेव अपनी शत्रु राशि के अंदर, तो कैसे रिजल्ट देंगे? तो जातक को यहाँ पे पुत्री होने का तो योग बनाएंगे, पर पुत्री अपने संतानों को लेके हमेशा जातक को कष्ट होगा। जातक की याददाश्त थोड़ी सी कमजोर देखी गई है और पढ़ाई में भी जातक की इनिशियल स्टेज पे रुकावटें होंगी। बड़े भाई बहनों से, मित्रों से परेशानी होगी जातक को, पत्नी से मतभेद होगा। हालांकि दृष्टि पड़ रही है उसे अपने खुद के भाव पे, तो वैवाहिक जीवन अच्छा होगा पर मतभेद जरूर होंगे। छठे भाव के अंदर शनिदेव कैसा रिजल्ट देंगे? तो यहां पे पत्नी से मतभेद करे जाएंगे, मतभेद होगा और शनि अगर पीड़ित हुआ या नीच में हुआ तो फिर वैवाहिक जीवन को तोड़वा भी सकते हैं, पर अगर यहाँ पे लग्नेश बलि हुए तो फिर यहाँ पे विपरीत राजयोग बन जाएगा। जातक के पास नौकर होंगे, नौकर से जातक को फायदा होगा, मामा पक्ष से जातक को बहुत सपोर्ट मिलेगा। जातक अगर कोर्ट कचहरी में, जातक को हमेशा मदद मिलेगी और जातक का शत्रु पे भी जातक हमेशा हावी रहेगा। मेडिकल एक्सपेंसेस जरूर होंगे पर उससे उभरने वाला भी होगा। ऑब्स्टेकल के ऊपर एक परेशानी आएगी, दूसरी परेशानी आएगी, पर परेशानी के ऊपर जीत करने वाला होगा। सातवें भाव के अंदर शनि यहाँ पे सस नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। पत्नी के बाद जातक का भाग्य उदय होता है, पति बहुत नसीबदार होती है और साथ ही साथ पत्नी के बाद भाग्य उदय होगा और जातक भी काफी परिश्रम करने वाला होगा, परिश्रम करने के बाद भाग्य उदय होने वाला होगा। 36 साल के बाद जातक का भाग्य उदय होगा, पति से अपने पिता से प्रेम होगा पर थोड़ा अधार्मिक होगा, भगवान को ज्यादा बिलीव करने वाला नहीं होगा। आठवें भाव के अंदर शनिदेव यहाँ पे भी विपरीत राजयोग बनाता है। अगर लग्नेश की कंडीशन अच्छी है तो इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी परेशानी कराएगा, परिश्रम कराएगा, फिर उसके बाद भाग्य उदय कराएगा, पर कब? 36 साल के बाद। शनिदेव यहाँ पे नीच के हो जाते हैं, मेष राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं, तो कैसा रिजल्ट देंगे? 36 साल तक जातक को हमेशा परिश्रम कराएंगे, बहुत ज्यादा उसको बुरा टाइम देखने को मिलेगा। जातक हमेशा परेशानी में अपना जिंदगी निकालेगा, पिता के साथ तनबन रहेगी, पैतृक संपत्ति को लेकर दिक्कत, बड़ों से दिक्कत। जातक को यहाँ पे भाग्य कभी साथ नहीं देगा, पर यहाँ पे अगर मंगल बैठ गए तो यहाँ पे नीच भंग तो हो ही जाता है, जातक का भाग्य साथ होगा, जातक भूमिपति होगा, अपनी परिश्रम से जातक सब भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति करने वाला होगा। दसवें भाव के अंदर शनिदेव अपने खुद की राशि के अंदर, तो यहाँ पे कैसा रिजल्ट देंगे? यहाँ पे वो मित्र राशि में है और काल पुरुष की स्थिति से उनका खुद का घर है, तो यहाँ पे वो अच्छे रिजल्ट देंगे। यहाँ पे जातक धीरे धीरे प्रगति करके अपने बिजनेस को बढ़ाने वाला, अपने नौकरी से पैसा अर्जित करने वाला और फिर मकान वाहन सब सुख का प्राप्त करने वाला 36 साल के बाद। 11वें भाव के अंदर शनिदेव कैसे रिजल्ट देंगे? तो यहाँ पे अपने मित्र राशि के अंदर है, तो जातक को पत्नी का सुख होगा, भाई बहनों से सुख होगा, भाई बहनों के साथ साथ जातक को लगन में परिश्रमी भी होंगे। जातक परिसर पहली पुत्री होने का योग बनाएगा, पर जातक क्योंकि शनि की दृष्टि कैसी होती है तो वो थोड़े से उनका कहीं ना कहीं कारक तो जरूर होगा, तो पत्नी से मतभेद जरूर कराएगा, बड़े भाई बहनों से मतभेद भी कराएगा, पर जातक को लगाव होगा और उनसे उनको एडवाइस अच्छी मिलेगी और मदद भी मिलेगी। 12वें भाव के अंदर भी जातक को विपरीत राजयोग मिलेगा अगर लग्नेश मजबूत है और बाहर जाने के चांसेस, बाहर जाके जातक का भाग्य उदय होगा, पर अगर लग्नेश पीड़ित हो गए तो बाहर जाके भी जातक को हमेशा परेशानी बनी रहेगी, जातक का खर्चा बहुत होगा, आमदनी कम होगी और हमेशा मानसिक स्थिति जातक की खराब रहेगी। तो दोस्तों मैंने आपको बताया शनिदेव का 12 भाव में फल। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।